टोपी वाला व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में जिन्होंने सूरत में सीए की फैक्ट्री की है, ऐसे सिर्फ एक ही इंसान है और उनको सब जानते हैं, उनका नाम है सीए रवि छावछरिया। रवि भैया, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। रवि भैया, आपके बारे में हमारे दर्शकों को परिचय दीजिए। आपका जन्म कहाँ हुआ, किस तरह से हुआ और आप किस तरह से प्राथमिक और माध्यमिक में किस तरह से पढ़ रहे थे और आप कौन से लेवल के बच्चे थे? एजुकेशन में मैं शुरुआत से बहुत इंटरेस्ट लगता था और मैंने अपनी पूरी एजुकेशन सूरत से ही की है। मैं फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड सूरत की सबसे पुरानी स्कूल आईपी मिशन में पढ़ा हुआ हूँ, जो चौक बाजार में हुआ करती थी। अब तो शायद वो स्कूल बंद हो रही है। उसके बाद एमएम पिपरी वाला स्कूल, फिर जैसे हमारा घर चेंज होता था तो उस समय स्कूल बस जैसी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, तो जहाँ पे घर होता था उसके पास के कोई स्कूल में पापा एडमिशन करवाते थे। फिर मैं एचएमबी सरदार स्कूल से मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और थ्रू आउट ऐसा रहा कि मैं स्कूल लाइफ में हमेशा ही फर्स्ट रैंक रहा मेरा और ट्वेल्थ बोर्ड में भी सूरत में फर्स्ट रैंक था। तो मुझे और सेल्फ स्टडी करता था, कोई ट्यूशंस नहीं जाते थे। सो बहुत सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर हमारी फैमिली में एजुकेशन को हमेशा बहुत इंपॉर्टेंस दी गई। मेरी मदर भी हमारे एजुकेशन के कारण कभी कोई ना फैमिली मेम्बर से ज़्यादा पार्टी करना, मिलना, आना जाना कम करती थी ताकि बच्चे घर पे पढ़ाई कर सकें। सीए का मतलब क्या है और आपको ये मतलब कौन सी एज में पता चला? हमारी फैमिली में पहले से काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, मतलब मेरे दादाजी के बड़े भाई ने बहुत पहले, मतलब आज़ादी के पहले भी 1942 में इंग्लैंड एंड वेल्स से सीए किया था और फिर वो इंडिया आ गए थे, फिर यहाँ पे उन्होंने सीए का काम किया था। मेरे मदर के भी फैमिली साइड पे सीएस हैं। तो जब मैं 9th-10th में था तब से सीए के बारे में मैं समझने लग गया था। 10th में भी स्कूल फर्स्ट रैंक था। उसके बाद जब मैंने कॉमर्स लिया तो जैसे हमारे सोसाइटी में होता है कि आप टॉपर हैं तो आपको साइंस ही लेना है, पर मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंडिविजुअल का अपना एक विजन होता है लाइफ के लिए, एक अपना इंटरेस्ट होता है। तो जो आपका विजन है, आपका जो इंटरेस्ट है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपना लाइन सिलेक्ट करिए। सो मैंने जो अपना लाइन सिलेक्ट किया वो मुझे दिखता था कि मैं फाइनेंस में, अकाउंट्स में, टैक्सेशन में, मतलब सीए की लाइन में कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो मैंने हिसाब से कॉमर्स लेकर फिर सीए कंप्लीट किया था आगे। तो और सीए का मतलब क्या है? सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी हुआ। सीए की एग्जाम ऑल ओवर इंडिया पे ली जाती है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि एक पार्लियामेंट के द्वारा पास की गई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक कानूनी संस्था है जो पूरे इंडिया में सीए की एग्जाम्स लेती है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक प्रोफेशनल कोर्स है। 12th के बाद कॉमर्स भी किया हो तो भी चलेगा, साइंस भी किया हो तो चलेगा। कोई भी स्टूडेंट सीए के लिए रजिस्टर करवा सकता है जिसने 12th पास किया हुआ है। 12th के बाद आप ग्रेजुएशन के साथ साथ सीए का कोर्स कर सकते हैं और सीए का कोर्स 12th के बाद 4 years का कोर्स होता है। रवि छावछरिया से सीए रवि छावछरिया का सफर कैसा रहा? सीए की जो स्टडीज थी दैट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। हम सूरत में नर्मदा लाइब्रेरी में हमारे फ्रेंड्स के साथ स्टडीज किया करते थे। रात रात को फ्रेंड्स हमारे घर पे आ जाते थे, वहाँ पे साथ में स्टडीज करते थे। सो सीए की जो स्टडीज का जो मेरा एक्सपीरियंस था दैट वाज, वो मैं कह सकता हूँ बहुत ही सुंदर अनुभव था। और मैंने पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना स्टार्ट भी कर दिया था जब मैं 20 साल का था। मैं खुद सीए फाइनल में आ चुका था, मैंने 21 साल में सीए फाइनल कंप्लीट कर लिया था और मेरे सीए के एग्जाम्स में ऑल इंडिया रैंक्स रहे हुए हैं। मैंने सीए के साथ साथ सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरीशिप, उसकी भी एग्जाम्स में ऑल इंडिया रैंक के साथ पास किया था। तो और उसके बाद फिर मैंने सीडब्ल्यूए यानी कॉस्ट अकाउंटेंसी की भी एग्जाम्स में ऑल इंडिया रैंक स्कोर किया था। तो मुझे सीए की पढ़ाई में जो मेहनत है वो मेहनत करने में मुझे बहुत मज़ा आया था। मेरे फ्रेंड्स के साथ, मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ जो मैंने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू की थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। कई बार ऐसा होता था कि लगता था कि ये बहुत हैवी हो रहा है, इतना शायद कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ, लेकिन कभी हार नहीं मानी, कभी कोई एग्ज़ाम नहीं ड्रॉप की, हर एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प में निकाली। ये निश्चित था कि करना है तो अच्छी तरह से करना है और पूरा करना है। आपको एक ऐसी मोमेंट आई होगी कि आपको कहीं पर डर लगा होगा, कि कुछ ऐसा इंसिडेंट बना होगा जो आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहो? जैसे मैं मानता हूँ कि हर परीक्षा के पहले, अंतिम समय के पहले आपकी जो लास्ट मोमेंट की प्लानिंग है वो एकदम सटीक और परफेक्ट होनी चाहिए। मैंने एक सब्जेक्ट में वो प्लानिंग नहीं बनाई थी, मैंने सोचा था ये मैं कर लूँगा एग्ज़ाम के पहले। और सही बताता हूँ, मैं कन्फेस करता हूँ कि एक एग्ज़ाम के पहले मुझे भी थोड़ा नर्वसनेस ज़्यादा हो गया था। फिर मेरे फादर ने मुझे काफ़ी
मोटिवेशन किया कि रवि तू अब प्लानिंग बनाकर रिवाइज कर ले। मुझे लगता था कि वो सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छे से आ रहा है तो मुझे प्लानिंग की जरूरत नहीं है, बट हर स्टूडेंट को एग्जाम के पहले तो एक बार रिविजन करना ही होता है अच्छे से। फिर एक बार फाइनल के समय मेरी थोड़ी हेल्थ की इशू हुई थी तो उस कारण मैं काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था मुझे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ भी अगर ज़िंदगी में अच्छा करना हो तो तकलीफ़ें आती हैं, पर तकलीफ़ों को उभर कर आगे बढ़ना वही ज़िंदगी का सही मकसद है, सही काम है। अब पढ़ने के साथ आपने बताया कि आप पढ़ने के साथ बच्चों को गार्डन में पढ़ा रहे थे, वो इंसिडेंट क्या है? मतलब जैसे लाइब्रेरी में जो हमारे जूनियर्स होते थे वो कई बार मुझसे सवाल करते थे सीए के ऊपर जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उस पर, तो उन्हें पढ़ाने में मुझे बहुत मज़ा आता था। फिर कुछ बच्चों ने मेरे पास आके कहा कि हम आपके पास पूरे साल का पूरा कोर्स करना चाहते हैं। पहले तो मैंने मना किया कि मैंने कभी ट्यूशन जैसे अलग से नहीं पढ़ाया है, उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, बहुत जोर दिया, तो मैंने उनको पढ़ाने का पूरा बीड़ा उठाया। मैं खुद पढ़ रहा था फाइनल और मैंने उनको सीए का जो सेकेंड ईयर होता है इंटरमीडिएट वो पूरा उनको पढ़ाया था, कभी अपने घर के एक रूम में और कभी घर पे नहीं हो सकता था तो लाइब्रेरी के गार्डन में, कभी केपी कॉमर्स कॉलेज के गार्डन में। सो उस तरह से उनको पूरा कोर्स पढ़ाया था और उन्होंने बहुत खुशी से मज़े से पढ़ा था, और उन स्टूडेंट्स की मेहनत थी और जो एक डायरेक्शन उन तरह से उन्होंने मूव किया, वो बैच जो मैंने सबसे पहले पढ़ाया था 10-12 बच्चे थे उसमें, उसी में से सूरत की हिस्ट्री का सीए के एग्जाम में पहला ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आया था और सूरत सेंटर के टॉप 5 के 5 रैंक उस ग्रुप में से आए थे। सो वो सूरत की हिस्ट्री में एक आप कह सकते हो एक यू टर्न था, एक टर्न ओवर था पूरा, जिससे सीए के रिजल्ट्स काफी ऊपर जाने लगे उसके बाद। तभी से आपको सीए का महागुरु बुलाया जाता है और फिर आपने वो बच्चों से लेके आज आप जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं उस तरफ का सफर कैसा था? मैंने तो अपनी परीक्षा के बाद सोचा था कि मैं कॉर्पोरेट्स में जाऊंगा क्योंकि मेरे इंडिया रैंक थे, काफ़ी कंपनी से ऑफर लेटर भी थे, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ सूरत में जो हमारे जूनियर्स थे उन स्टूडेंट्स का बहुत जोर था कि आप हमें पढ़ाइए। मेरे सी ए फाइनल के रिजल्ट आने के पहले मेरे पास अराउंड 150 सुपर स्टूडेंट्स आ गए थे, हर लेवल के 40-50 स्टूडेंट्स, 3 लेवल होते हमारे कि हमको आपके पास सी ए पढ़ना है, और ये मैं अपनी खुशकिस्मती मानता हूँ और सबका सहयोग मानता हूँ कि मुझे उनको पढ़ाने का मौका मिला। और फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर कुछ मैं ऐसा कर सकता हूँ, आज से 15 साल पहले जहाँ पे सूरत का रिजल्ट उतना नहीं आता था और आज सूरत का नाम पूरे देश में सीए में गर्व से लिया जाता है। सूरत में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा नहीं है, अहमदाबाद बड़ौदा मुंबई में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, सूरत के काफ़ी स्टूडेंट्स बिजनेस में लग जाते हैं पढ़ाई के साथ ही साथ, लेकिन जो स्टूडेंट्स सीए की पढ़ाई कर रहे हैं सूरत में वो सूरत का नाम पूरे इंडिया में आज रोशन कर रहे हैं। इससे ये बात तो क्लियर है आपको गुरु बनना नहीं था पर बनाया गया है सीए का गुरु। अब बच्चों को कौन सी डिफिकल्टी होती है और सब पेरेंट्स की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर सीए बने, तो बच्चे ना बोल देते हैं, उनको कौन सी बात का डर होता है? कहते हैं कि अज्ञानता अंधकार है और ज्ञान रोशनी का रास्ता है। काफी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि सीए जैसे कोर्स को भी अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं और एक सही माहौल में पढ़ रहे हैं, एक अच्छे एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं, जैसे आपको सिर्फ एक ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ बुक्स की ज़रूरत नहीं है, आपको एक अच्छे ग्रुप की भी ज़रूरत होती है जहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स सब साथ में मिलके। क्योंकि सीए का कोर्स लंबा है, इसमें मैनेजमेंट बहुत करना पड़ता है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, टफ नहीं है, सिर्फ आपको मैनेज करना होता है। तो अगर आप एक अच्छे माहौल में रहकर मेहनत करते हैं तो सीए मैं कहता हूँ सर्टनली अचीवेबल, आप इसको फॉर श्योर ज़रूर इस डिग्री को हासिल कर सकते हैं जो आज भारत की सबसे कठिन परीक्षा में एक परीक्षा मानी जाती है, इसको भी आप अपनी लगन, अपनी मेहनत और एक सही माहौल में रहते हुए आप इसको पा सकते हैं। आप सीए के पढ़ा देने के साथ साथ आप एक समाज सेवा भी करते हो, तो वो क्या है? क्योंकि बहुत ज़्यादातर लोगों को आपका ये पोर्शन के बारे में ज़्यादा लोग अवेयर नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कहोगे? मैं मानता हूँ कि जो हम अपनी सोसाइटी के लिए कर सकते हैं वो अपने काम के साथ ही करते हैं तो हम सही में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी में पिछले 4 साल से हर साल 40 से 45 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बैकग्राउंड से हैं और उन्हें हम सीए का पूरा एजुकेशन 4 साल का फ्री में प्रोवाइड करते हैं। ये सिलेक्शन हम लोग सीए फाउंडेशन, जिसको पहले सीपीटी कहते थे, सीए इंटरमीडिएट, सीए आईपीसीसी और सीए फाइनल, तीनों लेवल के लिए हर साल करते हैं। और इनमें से जो भी स्टूडेंट सूरत के बाहर से आते हैं या सूरत में बहुत दूर रहते हैं और उनके घर पे पढ़ने की
सुविधा नहीं है, वो पढ़ नहीं पाते हैं, उन्हें हम अपने साथ रखते हैं, उनके रहने खाने का पूरा खर्चा हम बेयर करते हैं। इनमें से किसी भी स्टूडेंट से कोई भी प्रकार का लाभ या कोई भी प्रकार का रुपया नहीं लिया जाता है, और इसका पूरा खर्चा मैं अपने जो रेगुलर हमारी कोचिंग होती है सीए की, उसमें से जो बच्चे रेगुलर फीस पे करते हैं उसमें से ही ये खर्चे को हम बेयर करते हैं। और सबका बहुत आशीर्वाद है, बहुत प्रेम है कि आज देश के अलग अलग जगहों से ऐसे स्टूडेंट्स जो सीए में आगे बढ़ना चाहते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स तक जाना चाहते हैं, पर उनके पास संसाधनों की, रिसोर्सेज की कमी है, वो स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम का लाभ ले रहे हैं। सोनल बेन, मैं आपको भी थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप इस माध्यम से इस सीए स्टार्स करके हमें प्रोग्राम चलाते हैं, और ये सीए स्टार्स प्रोग्राम में हर साल काफ़ी सारे बच्चे इसका लाभ ले रहे हैं और उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। इस बार जैसे कि सीए फाउंडेशन में 42 स्टूडेंट्स ने हमारे यहाँ से एग्ज़ाम दी थी, जिसमें से 37 पास कर गए थे, और सीए इंटरमीडिएट जिसका रिजल्ट देश में 15% था, उस इंटरमीडिएट में हमारे यहाँ पे 45 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दी थी सीए स्टार्स प्रोग्राम के बैच में से, और उसमें से 36 स्टूडेंट्स यानी 80% बच्चे पास करके आज सीए फाइनल में आ गए हैं। तो जहाँ सीए का रिजल्ट पूरे देश में 10 से 15% होता है, वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स सीए स्टार्स प्रोग्राम में 80 से 90% रिजल्ट लाकर हमें बहुत ज़्यादा और प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हम इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से और आगे लेकर जाएंगे। किसी बच्चे को आपके ये कैंपेन में जुड़ना है तो उसको किस तरह से आपको मिलने का, कौन सी प्रोसीजर करनी पड़ेगी आप तक पहुंचने के लिए? सूरत में घुलदो रोड पे हम लोग का जो पढ़ाने का पूरा सेंटर है, वहाँ पर स्टूडेंट आकर एक टेस्ट देनी होती है, और फिर मैं उनसे बात करता हूँ, उनका बैकग्राउंड देखते हैं, उनके आगे पढ़ने की लगन देखते हैं। ज़रूरी नहीं कि बच्चा रैंकर या टॉपर ही हो, अगर कोई बच्चा पढ़ने में एवरेज हो पर वो पढ़ने के लिए पूरा डिटरमाइंड है, क्योंकि डिटर्मिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में आदमी को आगे बढ़ाती है। टैलेंट तो है ही, पर टैलेंट के साथ साथ अगर इंसान में इच्छा शक्ति नहीं होगी तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, और अगर इच्छा शक्ति होगी तो वो सब कुछ पा सकता है। तो हमने देखा है स्टूडेंट्स में इतना पक्का जो कहते हैं उनका डिटर्मिनेशन है, निर्धार है कि हमको करना ही करना है, ऐसे निर्धारित स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। सीए रवि छावछरिया बनने के बाद का आपका स्टेप क्या था कि उस बात के आपकी लाइफ टोटली चेंज हो गई होगी? हाँ। उसके बारे में बताइए तो लोगों को पता चले कि ये जितना टफ है उसके बाद की दुनिया भी बहुत हसीन होती है। मैं सबसे पहले एक्सपीरियंस करूं तो हम जब पढ़ते थे तो रोज 2 घंटे शाम को कभी क्रिकेट, कभी कोई है ना बैडमिंटन, कभी कुछ है ना ऐसे मैदानों में खेलना, उस समय शहर काफी खुला होता था तो खेलने के लिए काफी जगह मिलती थी। लेकिन जब से काम में लगे, पढ़ाने लगे, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं मिस करता हूँ कि खेलना बंद हो गया। शाम को भी बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अपनी पढ़ाई तो हम कैसे भी कर ले, पर जब दूसरों की पढ़ाई की जवाबदारी हम ले रहे हैं तो बहुत बड़ी जवाबदारी हो जाती है। दूसरी चीज़ है कि मुझे थोड़ा घूमने का शौक़ होता था तो मैं घूम नहीं पाता हूँ, और लेकिन मैं इस चीज़ में खुश हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर पाता हूँ पूरा। तो ज़िंदगी में जो एक विद्यार्थी की ज़िंदगी है उसमें परिश्रम तो है, पर उसमें एक उस ज़िंदगी का अपना अलग अनुभव है। लेकिन जब हम काम में आते हैं, जब हमारे ऊपर जवाबदारियाँ आ जाती है, अपने खुद की, अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने व्यवसाय की, तो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए इंसान को पूरी मेहनत से लगे रहना पड़ता है, और उसमें काफ़ी बार काफ़ी कुछ कुर्बान करना पड़ता है। आपको सीए बनने के बाद आपको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, उसके बारे में थोड़ी झलक दीजिए। ये सबका प्यार है, खुशकिस्मती है कि 2 साल पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एजुकेशन एक्सीलेंसी अवार्ड था, वो उसमें मुझे दिया गया था। इस साल हैदराबाद में सुपर 30 टीचर्स करके इंडिया के 30 शिक्षकों को सम्मानित किया गया था, जिसमें मैं एक था। तो इस तरह से कई ना प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी रिकॉग्निशन मिला है, और मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा रिकॉग्निशन है कि समाज के लोग और हमारे जो विद्यार्थी हैं वो हमारे काम से कुछ कर पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी जिनके परिवार में किसी ने 10वीं तक के बाद की पढ़ाई नहीं की है, जो मजदूर के बच्चे हैं या कोई छोटी सी नौकरी कर रहे हैं, ऐसे है ना उनके पिताजी हैं, बैकग्राउंड है, कुछ ऐसे भी मेरे पास स्टूडेंट्स आए जो अनाथ आश्रम से आए हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स आज अब पूरी ज़िंदगी में पूरा लाइफ उनका बदल चुका है, बड़े बड़े बैंकों में हैं, कंपनियों में हैं, अपनी या तो सीए की ऑफिस चला रहे हैं। तो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। सीए में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है,
उसके बारे में आप क्या कहोगे? सीए की परीक्षा ऑल ओवर कंट्री में ली जाती है, लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, तो कंपटीशन तो है ही, लेकिन मैं मानता हूँ कि आप दूसरों को छोड़कर अपने ऊपर फोकस करें और अपने साथ जो लोग हैं उनको साथ में डेवलप करें, आप उनको भी सहयोग करें, आपस में फ्रेंड्स में कंपटीशन कभी ना करें, फ्रेंड्स को सहयोग दें और फ्रेंड्स का सहयोग लें। कोऑर्डिनेशन आई फील ये ज़्यादा ज़रूरी है, सहयोग ज़्यादा ज़रूरी है, कंपटीशन की भावनाओं को मन से निकालें और अपने आप को और अपने साथ जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाने में मेहनत करें। आपके पास से ज्ञान लेके सूरत में कितने बच्चे सीए बन के उनके जीवन के प्रभाव में आगे बढ़ चुके हैं? पिछले 14 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा 15वां साल है और अभी तक सूरत में 2000 से ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मैंने पूरा पढ़ाया है और हर साल 200 से जितने सीए बन रहे हैं। सो मुझे बहुत प्राउड है कि सूरत में आज हाईएस्ट नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मैंने पढ़ाया है, मैं उनका मेंटर रहा हूँ। सर आपको नहीं, पूरे सूरत इसीलिए आपको सीए की फैक्ट्री के नाम से सब जानते हैं सर। सर आज आपने हमारे दिव्यांग भवन की पूरी मुलाकात दी, तो हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए, बच्चों की मुलाकात ली और आपको क्या फील हो रहा है उनके लिए? मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कनु भाई टेलर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व नहीं, महान व्यक्तित्व है और उनके साथ उनका पूरा परिवार, उनकी पूरी टीम लगी हुई है। मैंने जब स्कूल में बच्चों को पढ़ते हुए देखा तो जहाँ बच्चा बेंच में नहीं बैठ सकता उसके लिए व्हील चेयर स्कूल में हर जगह रखी हुई है, व्हील चेयर में बैठ के पढ़ रहे हैं। बच्चे जिनके हाथों को कुदरत ने कमज़ोर किया तो उन्होंने अपने पैरों की ताकत को यूज़ करके आज मैं ज़िंदगी में पहली बार जो मुझमें फीलिंग आई है मतलब इन बच्चों को देख कर, और कनु भाई ने और उनके पूरे परिवार ने जिस तरह से इस पूरे है ना कैंपस को इतना व्यवस्थित मेंटेन कर रखा है, हर जगह पे रैंप बनाया हुआ है ताकि कहीं पर किसी को रुकना ना पड़े, कहीं पर किसी को ठोकर ना लगे, उसकी पूरी व्यवस्था की है, साफ सफाई इतनी सुंदर रख रखी है। और मैं चिराग भाई और सोनल बेन और इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। मैं तो बहुत एक छोटा सा इंसान हूँ और यहाँ पर जो कार्य हो रहा है ये एक दिव्य कार्य हो रहा है, एक बहुत महान कार्य हो रहा है और पूरा सूरत, पूरा गुजरात, पूरा देश कनु भाई और इनके पूरे परिवार के लिए हम हमेशा आप सबके लिए बहुत बहुत आभारी रहेंगे। रवि भाई लास्ट में कि बच्चों को सीए को लाइफ पे गोल बनाना चाहिए, उसके लिए आप लास्ट में क्या कहोगे? आप उच्च शिक्षण जो हायर एजुकेशन है उसके लिए हमेशा मेहनत करिए, प्रयास करिए। आप मेडिकल में जाना चाहें, कंप्यूटर्स में आगे जाना चाहें, इंजीनियरिंग करना चाहें, सीए करना चाहें, लॉ की पढ़ाई करना चाहें, सिर्फ 12वीं कॉमर्स करके या सिर्फ बीकॉम या बीएससी करके अपनी ज़िंदगी को ना रोकें। आज के हमारे देश में जो हमारा युवा धन है, इसमें जो ताकत है, इसमें जो रिसोर्सेस हैं, उस रिसोर्स को पूरा यूज़ करने के लिए, उसका पूरा फ़ायदा लेने के लिए देश को ये ज़रूरी है कि सिर्फ सीए नहीं, अगर आप सीए के बाद एमबीए करना चाहें, आप सीए के बाद यूपीएससी की परीक्षा देना चाहें, आप लॉ की पढ़ाई करना चाहें, आप बहुत कुछ पढ़ाई कर सकते हैं। सीए सिर्फ एक कोर्स नहीं है, कॉमर्स में ये सबसे बेस्ट फाउंडेशन है, सबसे बेस्ट फाउंडेशन है और सीए के बाद आप बहुत कुछ और पढ़ सकते हैं। कोई साइंस से है तो साइंस के बाद आगे मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, आईटीआई के लिए, ये सब के लिए मेहनत करिए। कभी भी घर पे मत बैठ जाइए ट्वेल्थ के बाद, ट्वेल्थ के बाद सिर्फ कोई छोटी जॉब में मत लग जाइए। मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बच्चों को 12वीं के बाद 3-4 साल तक के लिए उन्हें आगे ज़िंदगी में बढ़ने के लिए पढ़ने का पूरा अवसर दीजिए, पूरा मौका दीजिए। आज हमारे देश में शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। आज यहाँ खुद डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया DWTI और दिव्यांग चैनल विद्यार्थियों को सिर्फ जो गरीब विद्यार्थी हैं, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है, उनको सिर्फ मदद नहीं कर रहा, उनको जो शिक्षा दे रहा है वो शिक्षा एक ताकत दे रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो ये शिक्षा एक ऐसा रास्ता है जो आपको जिंदगी में बहुत आगे तक लेके जा सकता है और आप पूरे समाज को आगे लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच रवि भैया, हमारे व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में लोगों को इंस्पायर करने के लिए आपने जो उनको पॉजिटिव एनर्जी दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार। थैंक यू सोनल बेन मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझे एक मौका देने के लिए कि मैं आप सबके साथ अपने विचार शेयर कर सकूँ। थैंक यू एवरीवन।